संभल में स्थित अस्थायी कारागार से फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार कैदी पर 20,000 का इनाम रखा गया था। गिरफ्तार कैदी को आवश्यक कार्यवाही के बाद जेल भेजा जा रहा है। थाना हयातनगर क्षेत्र अंतर्गत सारंगपुर अस्थायी जेल से कैदी फरार हो गया था, जिस संबंध में थाना हयातनगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को 30 मई को थाना हयातनगर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में अस्थायी कारागार सारंगपुर में दाखिल किया गया था, मगर कैदी वहां से चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार कैदी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। 2 जून को थाना प्रभारी हयातनगर सत्येंद्र भडाना ने मुखबिर की सूचना पर फरार कैदी शाने आलम को दिल डावरा चौराहे से ओडाल को जाने वाले लिंक मार्ग पर स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पूर्व जनपद संभल में स्थित अस्थायी कारागार सारंगपुर से एक कैदी जिसका नाम शाने आलम है, जो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करके जेल में लाया गया था, वहां से भाग गया। इसके पश्चात जनपद संभल के द्वारा अनेकों टीम का गठन करके इसका हंट किया जा रहा था। इसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आज थाना हयातनगर की पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके विरुद्ध जेल से भागने की धाराओं के अंतर्गत पुनः एफआईआर करके इसको माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है व अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।